मुरादाबाद में शुक्रवार को दोपहर करीब 2:30 बजे टोरेंट गैस की पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। हादसा शहर के कटघर थाना क्षेत्र में करूला गली नंबर 2 के पास MH पेट्रोल पंप के ठीक सामने हुआ। गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों के साथ 20 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग को बुझाने में लगे रहे। संबल डबल फाटक पुल को भी लगभग आधे घंटे तक ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया। काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर मुकेश कुमार ने बताया, क्या कारण रहा आग लगने का? देखिए, आग लगने का कारण ये पाइपलाइन है। यहाँ पर संभवतः क्या तो कहीं से डैमेज हुआ है या कोई ऐसी इसको चोटिल ऐसी चीज गिरी है जिससे कि वो डैमेज हुई है और जो गैस थी उसमें लीकेज होने से आग लगी। इसकी सूचना हमारे फायर सर्विस कंट्रोल को दिया गया। तत्काल हमारी 4 गाड़ी रवाना हुई और हम पूर्ण रूप से आग को बुझा दिया गया है। जो टोरेंट गैस की जो टीम है वो भी आई हुई थी, लेकिन थोड़ा अगर वो जल्दी आते तो हम और जल्दी इसको बुझा पाते। की अनहोनी की आशंका में आसपास के पूरे इलाके की दुकानें और मकान खाली करा लिए गए थे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भी मौके पर आग बुझाने में लगी हुई थी। CFO ने बताया कि आग की वजहों के बारे में अभी पता नहीं चला है। गैस कंपनी के कर्मचारियों को भी कॉल करके मौके पर बुला लिया गया था। गैस पाइपलाइन की सप्लाई को रोककर आग बुझा दी गई है और अब स्थिति सामान्य है। ये टोरेंट की गैस पाइपलाइन थी जिसमें कोई लीकेज हुआ था। यहाँ पर तत्काल हमारी फायर टेंडर की सभी गाड़ियाँ यहाँ मौके पर पहुंची, उनसे संपर्क करके लाइन को पीछे से बंद कराया गया और अभी करीब आधे घंटे 1 घंटे के प्रयास में ये आग बुझ गई है। किसी प्रकार की जन और माल हानि अभी यहाँ पर नहीं हुई है। अभी हम लोग वॉचफुल हैं, इसको देखें क्यों हुआ ये, बाकी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। नहीं, वो लोग भी आए हैं, उनके पास जो मेन पावर थे उन्होंने बुलाया था, बाकी सबके सम्मिलित प्रयास से इस पर काबू पाया जा सके। किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये आपका तो ये नहीं बता सकते कि आपका क्या कर रहा है, लेकिन ये गैस पाइपलाइन में आग करीब 2-2.5 के बीच में लगी है और इसमें इतनी आग भड़क गई कि मतलब प्रशासन सबसे पहले थाना कटघर SHO यहाँ आए, उसके बाद में सारे अधिकारी आ गए, SVCT साहब आए और मोहल्ले की सहयोग से इस आग पर काबू पा लिया गया। जहाँ तक है इस गैस पाइपलाइन की एजेंसी वालों का यहाँ बिल्कुल भी सहयोग नहीं रहा और इन्हें फोन करे गए, फोन पे इन्होंने बोला पे मतलब हमने यहाँ से गैस पाइपलाइन बंद कर दी है, लेकिन आग काबू में नहीं आई। यहाँ प्रशासन के द्वारा और मोहल्ले के पब्लिक द्वारा ये आग बुझाई गई है और करीब 2-2.5 घंटे से ये मतलब चल रहा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।